और बाइबल से आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसका आखिरी अध्याय 22वां पद कौन सा होगा? 8वें पद से लेकर 15 पद तक प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय 8 से 15। हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था, जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातों दिखाता था, मैं उसके पापों पावों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा भाई और योद्धा और इस पुस्तक की बातें में मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत तो कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अनेक करता है वह अनेक ही करता रहे, और जो मरी है वह मरी बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, ओमेगा पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते रहे, क्योंकि उन्हें जीवन के उसके पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, और कुत्ते और चूहे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजा का और हर एक झूठ कर चाहने वाला और बनने वाला बाहर रहेगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है तू सच्चाई जानेगा, तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। हालेलुया। आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनना, तन मन से सुनना, क्योंकि ये जो परमेश्वर के वचन है उससे हमें जीवन मिलता है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि परमेश्वर के मुंह से जो हर एक शब्द निकलता है उससे हम जीवन जीते, हमसे रोटी से जीवन नहीं जीते। तो परमेश्वर के वचन जो है पत्रस से कहा कि इसमें अनंत जीवन है, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से सुनना है। और दूसरी बात, जब हम वचन सुनते हैं तो वचन कैसे सुनना है? वचन किसके लिए? वचन किसके लिए? हाँ, तो ऐसे वचन सुनना है कि वचन मेरे लिए, ताकि हम उसको ग्रहण कर सकें, उसको दिल में उतार सकें और उसके अनुसार चल सकें। पीछे सभी को आवाज़ आ रही है। हालेलुया। जाग जाना, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका आखिरी अध्याय, मतलब समझ लो कि प्रभु का आना पास में अभी, हाँ हम बहुत पास में चले गए। तो अब प्रभु यीशु जो है उनका आना सही में बहुत निकट है, और प्रभु यीशु के वापस आने के लिए जितनी भी भविष्यवाणी हुई थी तकरीबन वो सारी पूरी हो चुकी है। और आज का वचन बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अंतिम दिनों में अंतिम वचनों के जरिए हमारे परमेश्वर आज हमसे बात करने वाले। तो परमेश्वर जो है उनका आना बहुत निकट है, और उनकी जितनी भी भविष्यवाणी थी तकरीबन सारे खत्म हो चुके, सारे पूरी हो चुके। तकरीबन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब एक ही भविष्यवाणी बाकी है, और जो परमेश्वर के आने की जो भविष्यवाणी बाकी है वो है एंटीक्राइस्ट। हालेलुया। सिर्फ एक ही भविष्यवाणी बाकी है, और हम बाइबल से उसको देखेंगे आज कि परमेश्वर की भविष्यवाणी जो है वो कहना क्या चाहती है, और एंटीक्राइस्ट का आना कब हो सकता है, और बाइबल उसके बारे में हमें क्या बताती है। और दानियल भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है उसका 9वां अध्याय, दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 9वां अध्याय, और बिना समय गवाए कोई जल्दी से वचन को पढ़ेगा उसके 24वें पद से। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए सप्ताह सप्ताह कराए गए कि उनके अंतर्गत
अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगा और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। तो यह जान समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय से धनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। परमेश्वर पिता, उनके वचन ये 24 से लेकर 27 पद तक हमने पढ़े, उसको घर पर जाकर बहुत शांति समझना कि परमेश्वर के वचन क्या कहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है हमारा सत्य कुछ और है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है उसमें ये लिखा है कि परमेश्वर ये कहना चाहते हैं दानियल भविष्यवक्ता को, हमारे लिए दानियल भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने एक पक्की डेट और साथ में महीना और साथ में साल ये सब कुछ परमेश्वर ने दानियल भविष्यवक्ता को दे दिया। परमेश्वर ने बोल दिया कि दानियल तेरे सर के ऊपर और तेरे इज़राइल प्रजा के सर के ऊपर मैंने 70 सप्ताह ठहराए हुए, ये परमेश्वर की भाषा है। 70 सप्ताह, 1 सप्ताह का मतलब होता है 7 साल, हमारे सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर जो बात कर रहे हैं उसमें 70 सप्ताह मतलब कि 1 सप्ताह मतलब 7 साल, 7 दिन नहीं। तो परमेश्वर ने दानियल भविष्यवक्ता को पूरी तारीख बता दी कि देख दानियल, तेरे लोगों के सिर और तेरे ऊपर मेरे वापस आने का, मेरे दूसरी बार, अभी तो प्रभु यीशु पहली बार भी नहीं आए थे, दूसरी बार की तारीख बता दी कि दानियल 70 सप्ताह ठहराए हुए, एग्जैक्ट समय 1 सप्ताह मतलब 7 साल, 70 सप्ताह मतलब 490 साल। जैसे 490 साल खत्म होंगे प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि मेरा दूसरी बार आना हो जाएगा उसी वक्त, मतलब परमेश्वर ने दानियल भविष्यवक्ता को बता दिया। लेकिन परमेश्वर ने साथ साथ में बताया कि इसकी गिनती कब से शुरू करनी, तो उस वक्त यरूशलेम का जो भवन था, मंदिर था, वो टूटा हुआ था, नबूकदनेस्सर राजा ने उसको तोड़ दिया था। तो परमेश्वर ने इस दानियल भविष्यवक्ता को बताया कि दानियल जब दूसरी बार इस मंदिर को बनाने की आज्ञा हो, दूसरी बार, अभी तो पहली बार भी नहीं हुई थी, उससे पहले परमेश्वर ने बता दिया कि जब दूसरी बार इसको बनाने की आज्ञा हो तब से ये 70 सप्ताह जो है उसकी गिनती शुरू करनी है। उसके 490 साल के बाद, जैसे 490 साल खत्म हो गए उसी वक्त यीशु मसीह आ जाएंगे। साथ में बताया कि उसमें पहले 7 सप्ताह बीते जाएंगे, 7 सप्ताह मतलब 49 साल। उसके बाद परमेश्वर ने और बताया और दूसरे 62 सप्ताह, 62 सप्ताह वो बीतने पर, पहले 7 बीतेंगे उसके बाद मसीह का समय शुरू होगा, तो प्रभु यीशु का समय शुरू होगा, उसके बाद और 62 सप्ताह बीत जाएंगे, तो 62 और 7 मतलब 69, 70 सप्ताह में 1 सप्ताह कम, 69 सप्ताह मतलब 483 साल के बाद अभिषिक्त सरदार, अभिषिक्त प्रधान मतलब प्रभु यीशु, उनको काट दिया जाएगा, मर जाएंगे। तो प्रभु यीशु के मरने के समय पर जिस वक्त प्रभु यीशु को मार दिया गया उस वक्त दानियल भविष्यवक्ता को जो बताया था उसके अनुसार 483 साल खत्म हो चुके थे।
उसके बाद जैसे ही प्रभु यीशु को मरना था, तुरंत ही ये जो शैतान का एंटी क्राइस्ट है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है प्रधान, उस प्रधान को वहाँ पर प्रकट होना था, पैदा नहीं होना था, उसको प्रकट होना था। और इसलिए यूहन्ना अपने पत्र में लिखते हैं कि सभी आत्मा के ऊपर विश्वास मत करो, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास से है कि नहीं उसको जानो, उसको जांचो, क्योंकि जो ऐसा मानते हैं कि यीशु मसीह शरीर में इस धरती पर नहीं आए वो एंटी क्राइस्ट का आत्मा है, और जिसके बारे में आपने सुना है कि वो आने वाला है लेकिन वो तो इस संसार में अभी भी है, ऐसा पहले यूहन्ना में लिखा है। तो उस वक्त भी एंटी क्राइस्ट था, मसीह का विरोधी था, उसको प्रकट होना था। कब? जब 69 सप्ताह बीत जाएंगे तब। 69 सप्ताह जब बीत जाएंगे तब यीशु मसीह की मौत हो जाने वाली थी। जैसे यीशु मसीह की मौत, तुरंत ही दूसरे पल मसीह के विरोधी को प्रकट होना था, मसीह का विरोधी इस संसार में आ जाने वाला था। संसार में तो था लेकिन अपना काम जो था वो उसको शुरू करना था। बहुत ध्यान समझना। फिर बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो जो मसीह का विरोधी, जो नया प्रधान आएगा, वो प्रधान, वो एंटी क्राइस्ट, वो मसीह का विरोधी, वो सभी के साथ 1 सप्ताह का क्या करेगा, लोगों से वाचा बांधेगा। 1 सप्ताह, ये आखिरी सप्ताह 70 सप्ताह, उसका सप्ताह मतलब उसके 7 साल बीतने के बाद एंटी क्राइस्ट का मरना और प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होता ही था। यीशु मसीह जब इस संसार में जब पैदा हुए तो उस वक्त से गिनती शुरू हुई, सन 1, सन 2, जो आज 2018 चल रही है। इंग्लिश में सन को बोलते हैं एडी, AD. एडी का मतलब होता है एनोडोमिन। एनोडोमिन का जो गुजराती मतलब निकलता है उसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के जन्म से जो गिनती शुरू हुई है वो। तो यीशु मसीह जब पैदा हुए तब से सन की गिनती शुरू हुई। जितने लोग यीशु मसीह का विरोध करते, यीशु मसीह को नहीं मानते, उनको सिर्फ यही बात बता दो कि एडी निकाल दो। फिर अगर एडी निकाल देंगे तो फिर बीसी आएगा, बिफोर क्राइस्ट। कहीं पर भी गिनती करो यीशु मसीह है वहां पर। तो अभी एडी एनोडोमिन मतलब यीशु मसीह के जन्म से शुरू हुआ जो साल है, जो गिनती है वो सन। तो यीशु मसीह 33.5 साल में मर गए। 33.5 साल मतलब जब यीशु मसीह मर गए तब सन 34 चल रहा होगा, सन 34 चल रहा है। तो एंटी क्राइस्ट के 7 साल गिन लो, तो 7 साल मिला दो तो सन 41 में प्रभु यीशु का दूसरा आगमन था, जो नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि आ तो 2018 चल रही, नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जो एंटी क्राइस्ट था उसको तो आना ही था, लेकिन वो उस वक्त नहीं आया, और वो उस वक्त उसको प्रकट होना था लेकिन वो प्रकट नहीं हो पाया। अभी वो प्रकट नहीं हो पाया, उसका जो कारण था वो कारण क्या है? क्योंकि सन 41 में तो इस धरती का पूरी तरह से अंत लिखा हुआ था। परमेश्वर ने दानियल भविष्यवक्ता को ये जो तारीख जो थी वो बता दी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्या परमेश्वर झूठ बोले, या परमेश्वर ने जो बोला वो पूरा नहीं हो पाया, कहीं पर कुछ गलती हो गई बोलने में या समझने में गलती हो, क्या हुआ क्या वहाँ पर? लेकिन बाइबल सारी बातें जो है वो स्पष्ट करता है, और इसके बारे में भी बाइबल में लिखा है। हम पढ़ते हैं 2 थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय। आज बहुत ध्यान से समझ लेना, राज परमेश्वर ने वचन इसलिए दिए क्योंकि आखिरी समय चल रहा है और भरमाने वाले बहुत सारे आ चुके, और भरमाने वाले मालूम नहीं क्या क्या भरमाते। कई लोग बोलते यीशु मसीह आ चुके, कई लोग बोलते आकर चले गए, ऐसे बहुत सारे लोग इस संसार में है। और आज परमेश्वर अपने वचन से जो सच्चाई है वो सच्चाई हमें बताएंगे। 2 थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 3 पद। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। परमेश्वर बोलते हैं किसी भी रीति से किसी के भी धोखे में मत आना, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा। वह दिन मतलब प्रभु यीशु का दूसरी बार आना, वो नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो और वहां पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र
नस्का पुत्र प्रकट न हो। हालेलुया। अब बहुत ध्यान समाधक, ये एक पद सारे गलत फहमी को निकाल देता है। यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर का वचन ऐसा है, वह दिन नहीं आएगा जब तक पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र मतलब एंटीक्राइस्ट, वो प्रधान मसीह का विरोधी, जब तक वो प्रकट ना हो। जब तक वो प्रकट ना हो तब तक प्रभु यीशु नहीं आ सकते इस धरती पर, वो नहीं आएंगे। यहाँ पर स्पष्ट लगा, इसका मतलब क्या हुआ, प्रभु यीशु के आने से पहले एंटीक्राइस्ट का आना है। प्रभु यीशु दूसरी बार आएंगे, उससे पहले कौन आएगा, एंटीक्राइस्ट। हालेलुया। इसको दिमाग में रखना, पूरी तरह से दिमाग से दिल में उतार लेना, क्योंकि ज्यादातर लोग ये बात नहीं मानते। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि वो दिन नहीं आएगा जब तक मसीह का विरोधी, पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र वो प्रकट ना हो। जब तक ये नहीं होगा नहीं आएंगे। फिर क्या लिखा है, पढ़ते उसका छठवां पद। और अब तुम उस वस्तु को जानते हो, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है। जो उसे रोक रही है, देखो ध्यान समझना, एंटीक्राइस्ट को, मसीह के विरोधी को, पाप के पुरुष को, विनाश के पुत्र को, उसे कोई रोक रहा है, उसे तुम जानते हो, उस वस्तु को तुम जानते हो। ऐसा पौलुस थेसलोनिका की कलीसिया को कहते, क्या कहते और आगे, कि वो अपने ही समय में प्रकट हो, कि वो अपने ही समय में प्रकट हो। जब उसको प्रकट होना था सन 34 में, वो ना हो 34 में, इसलिए जैसे ही यीशु मसीह मर गए, जैसे ही सन 34 में मर गए, जैसे एंटीक्राइस्ट अपने आप को प्रकट करने वाला था, वैसे ही कोई बीच में चला गया और बीच में जाकर उसको रुका, एक रुक जा भी। एक बार फिर से पढ़ो छठवां पद। और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वो अपने ही समय प्रकट हो। हाँ, उसका समय था 34, उस वक्त प्रकट ना हो इसलिए किसी वस्तु ने उसको रोक लिया। लेकिन थेसलोनिका की कलीसिया को पत्र लिखते हुए ये पौलुस क्या बोल रहे, तुम जानते हो उसको। वहाँ पढ़ोगे, हमने बीच में दो पद नहीं पढ़े, लेकिन पढ़ोगे तो पता चलेगा पौलुस ऐसा बोल रहे, मैं जब तुम्हारे साथ था तब मैंने तुम्हें बताया था। कि अब पौलुस जब वहाँ पास में थे तो बता दिया था, वो पत्र में नहीं लिखा, उन्होंने इतना लिख दिया कि मैंने बताया था। अब पास में थे तो फिर पत्र लिख कर क्यों बताया, तो उनको डायरेक्ट बता दिया था कौन है रोकने वाला। अभी वो वापस पत्र लिखा तो याद दिला रहे, लेकिन हम क्या करें, हमारे लिए तो नहीं लिखा। फिर लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका सातवां अध्याय। और उसका एक दो तीन पद। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर चार स्वर्गदूत खड़े देखे, वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से उस पर फिर और आते देखा, उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की रानी करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे स्वर्गदूत से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और तीनों को हानि न पहुंचाना। हाँ, देखो अभी यहाँ पर क्या लिखा है, ऐसा लिखा है कि चार स्वर्गदूत दिखाई दिए, फिर एक स्वर्गदूत और दिखाई दिया। अभी देखो जो बाद में स्वर्गदूत दिखाई दिया वो ऐसा बोलते हैं चार स्वर्गदूतों को कि आप लोग अभी ठहरो, उनके पास ऐसा अधिकार दिया है कि आप इस धरती को परेशान करो, उस पर बसने वालों को परेशान करो, हवा को रोक लो। ये चार स्वर्गदूत ऐसे हैं जिनके पास ऐसा अधिकार है कि वो सभी को परेशान करेगी। अभी क्या हुआ, साथ में एक स्वर्गदूत और दिखाई देता है, वो क्या बोलता है, जब तक मैं मेरे परमेश्वर के दासों के सर के ऊपर मोहर ना लगा लूं तब तक तुम्हें कोई परेशानी नहीं करनी है। अभी ध्यान से समझना, क्या एक परमेश्वर दो टीम को अलग अलग ऑर्डर देगी, जाओ जाकर परेशान करो, और दूसरे को बोले नहीं उनको जाकर रोक लो। अगर रोकना है तो परमेश्वर पहले से उनको है, अभी मत जाओ। हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर ट्रांसलेशन में कुछ गलती है, सिर्फ दुष्ट शब्द है, स्वर्ग शब्द नहीं है,
अगर इंग्लिश में पढ़ोगे, गुजराती में पढ़ोगे, इंग्लिश में लिखा है एंजल लिखा है और गुजराती में लिखा है दूत। दूत का मतलब होता है मैसेंजर, किसी का संदेश ले जाना, संदेशवाहक, ऐसा। तो बाइबल के अनुसार यहाँ पर जो स्वर्गदूत शब्द, स्वर्ग नहीं है, सिर्फ दूत शब्द, ये चार लोग जो दिखाई दिए चारों कोने में, तो धरती तो गोल है तो चार कोने भी नहीं हो सकते उसके। लेकिन परमेश्वर जो कहना चाहते हैं उनका वचन है चारों ओर जो एंटी क्राइस्ट के लोग, मसीह के विरोधी के लोग हैं, जो प्रकट हो गए थे, लेकिन वहां पर किसी ने जाकर बोला अभी नहीं, अभी लोगों को परेशान नहीं कर रहा है, जब तक मैं मेरे परमेश्वर के दासों के सर के ऊपर मोहर ना लगा लूं तब तक किसी को कुछ भी मत करो। जो प्रकट होना था उसको किसी ने रोक लिया, यहां पर भी नाम नहीं लिखा कि वो कौन है, नहीं इतना बताया कि किसी ने जाकर रोका। लेकिन यहाँ पर एक शब्द है स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत इसलिए है क्योंकि वो बोलता है मेरे पास जीवित परमेश्वर की मोहर है, मतलब जीवित परमेश्वर देखिए। तो ये स्वर्गदूत है, मतलब ऐसा लिखा है कि ये स्वर्ग का इंसान है। लेकिन यहाँ पर भी वो सही में कौन है वो हमें नहीं बताया गया, लेकिन इफिसी में ऐसा लिखा है, इफिसी उसका पहला अध्याय और उसका 13 और 14 पद। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी निराश का बयाना है। यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा की मुहर लगी। हालेलुया, जागते रहना। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा की मुहर, और प्रकाशित वाक्य में ये लिखा है जब तक हम हमारे जीवित परमेश्वर के दासों के ऊपर मुहर ना लगा दे। और यहाँ पर लिखा है वो मुहर लगाने वाले कौन है, बोले पवित्र आत्मा की मुहर, मतलब वो जो स्वर्ग दिखाई दिया वो कोई और नहीं, वो पवित्र आत्मा थे। पवित्र आत्मा ने बोला उन चारों को रोका, ए रुक जाओ, जब तक मैं मुहर ना लगा रहा तब तक आपको कुछ नहीं करना है। पौलुस बोलता है मैंने तो आपको बता दिया था कि रोकने वाला कौन है, वो रोकने वाला कोई और नहीं, वो पवित्र आत्मा है। जैसे ही यीशु मसीह मर गए, मसीह का विरोधी प्रकट होने वाला था, वैसे ही पवित्र आत्मा वहां पर पहुंच गए और मसीह के विरोधी को रोक ले, ए मसीह के विरोधी रुक जा, अभी तुझे प्रकट नहीं होना है। और देखो आज तक उसको प्रकट नहीं होने दिया। 69 सप्ताह उस वक्त बीत गए और 70वां सप्ताह शुरू नहीं हुआ जो एंटीक्राइस्ट को दिया गया। हम बीच में आ गए, हम बीच में जीवन जी रहे जो 70 सप्ताह के अंदर उसकी गिनती नहीं है, हम उसमें आ गए और इसलिए 69 सप्ताह जो है खत्म हो चुके और 70वां सप्ताह जो है वो अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। पवित्र आत्मा ने जाकर उस मसीह के विरोधी को रोक लिया। फिर दूसरे थिस्सलुनीका में लिखा है उसका 2 अध्याय और उसका 7वां पद, बहुत ध्यान से समझ। क्योंकि अधर्म का भेद अभी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, जब तक वह दूर ना हो, अभी एक रोकने वाला है, जब तक वो दूर ना हो, जब तक वो दूर ना हो, हो जाए, हाँ, वह रोके रहेगा। अभी वो ध्यान समझक, वो अच्छे से पढ़ना सीखो बाइबल और जल्दी से निकलना सीखो। हाँ। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। हाँ, क्या लिखा है, अभी एक रोकने वाला है, वो तो हमें पता चल गया पवित्र आत्मा, जब तक वो बीच में से हटाया ना जाए, जब तक उनको दूर ना किया जाए, तब तक मसीह का विरोधी प्रकट नहीं हो सकता। हालेलुया, आज भी मसीह का विरोधी कहीं न कहीं पर प्रकट होने के लिए खड़ा है, वहीं पर उसके पास में पवित्र आत्मा भी है, वो उसको रोक कर रखे, अभी नहीं, अभी नहीं, जब तक पवित्र आत्मा बीच में से नहीं हटाए जाएंगे। हालेलुया, पवित्र आत्मा कौन है, रोकने वाले, रोकने वाले, लेकिन पवित्र आत्मा है कौन, हमारे परमेश्वर। हालेलुया, दाऊद राजा ऐसा कहते हैं कि तेरे आत्मा की उपस्थिति से मैं कहाँ भाग जाऊँ, पवित्र आत्मा से मैं कहाँ भाग जाऊँ,
पवित्र आत्मा कहाँ पर है? स्वर्ग में जाओ तो वहाँ पर है, अधोलोक में जाओ तो वहाँ पर है, समुद्र के उस पार चले जाए तो वहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी है पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कहाँ कहाँ पर है? सभी जगह पर है। जब तक उनको बीच में से ना हटाए तो उनको हटाकर कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ पर हटाना पड़ेगा उनको? उनको इस धरती से पूर्ण रीति से हटाकर उनको वापस कहीं पर दे दिया जाएगा। प्रभु ने क्या बोला? मैं मेरे बाप से विनती करूँगा और वो पवित्र आत्मा हमेशा के लिए भेज देंगे। तब पवित्र आत्मा कहाँ थे? स्वर्ग में बैठे थे। अब वापस उनको बीच में से हटाएंगे तो पवित्र आत्मा वापस कहाँ पर बैठ जाएंगे? स्वर्ग में बैठ जाएंगे। इस धरती के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं रहेंगे। जब मसीह का विरोधी प्रकट होगा तब पवित्र आत्मा इस धरती पर नहीं रहेंगे। धरती पर नहीं रहेंगे मतलब जिन जिन को पवित्र आत्मा दिए गए हैं उनके अंदर रहेंगे, लेकिन जो उनका गुण है सर्वव्यापी वो नहीं रहेगा। जिसके अंदर है सिर्फ उसी के अंदर रहेंगे, अभी सभी जगह पर काम करने के लिए नहीं रहेंगे। वो बीच में से हट चुका है। एंटीक्राइस्ट को जो करना है एंटीक्राइस्ट वो कर सकता है। यही बातें जो है वो यहेजकेल में लिखी हुई है उसके 9वें अध्याय में, लेकिन हम पढ़ते हैं वहाँ पर ऐसा लिखा है कि वहाँ पर पवित्र आत्मा की जगह पर एक इंसान का नाम लिखा है कि एक इंसान था जिसने सन के कपड़े पहने हुए थे। सन का कपड़ा जो है वो आज्ञाकारी दर्शाते और ये पवित्र आत्मा के लिए यूज़ किया हुआ शब्द है। उसके हाथों में वो शाही का जो पोर्टल आती है वो पोर्टल थी और उसके जरिए वो लोगों के सर के ऊपर कुछ निशान लगा रहे थे और वहाँ पर इस तरह से उनके शब्द लिखे हुए। और जो एंटीक्राइस्ट के लोग हैं वो उनके पीछे पीछे घूम रहे। फिर जो शाही लेकर लोगों के सर के ऊपर चिन्ह लगा रहे थे उन्होंने आखिर में क्या बोला? एक पद हम पढ़ लेते हैं, यहेजकेल उसका 9वां अध्याय उसका आखिरी पद 11वां पद। तब मैंने क्या देखा कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए और कमर में दवात बांधे था उसने ये कहकर समाचार दिया, जैसे तूने आज्ञा दी मैंने वैसे ही किया है। उन्होंने कहा जैसे आज्ञा मिली थी वैसा मेरा काम पूरा हो चुका है। अभी देखो एंटीक्राइस्ट को अगर ऐसा उसको ऐसा बोला था जिसके सर के ऊपर या हाथ या सर के ऊपर तू मुहर ना देखे उसको तू परेशान कर सकता है, लेकिन मेरे मुहर वाले को परेशान मत करना। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की मुहर उसको परेशान मत करना। अभी देखो पवित्र आत्मा यहाँ पर आया समझो, उसके पीछे एंटीक्राइस्ट भी आया। अभी उन्होंने वहाँ से लगाना शुरू किया तो वहाँ से लगाते यहाँ तक आया और एंटीक्राइस्ट इधर से मारना शुरू कर देता तो वो तो मर जाएंगे, फोकट में मर जाएंगे। अभी तो मुहर लगाना बाकी। इसका मतलब जब तक पवित्र आत्मा का काम संपूर्ण रीति से खत्म नहीं होगा एंटीक्राइस्ट का शुरू ही नहीं होगा, तो वो शुरू नहीं कर सकता। तो पहले पवित्र आत्मा बोलेंगे मेरा काम पूरा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ध्यान समझना, प्रभु यीशु को आने से रोकने वाली एक ही बात भविष्यवाणी है, वो कौन सी है? एंटीक्राइस्ट का प्रकट होना की। हालेलुया। एंटीक्राइस्ट को प्रकट होने से कौन रोक रहा है? पवित्र आत्मा। क्यों? पवित्र आत्मा का काम अभी पूरा नहीं होता, लेकिन तो 2000 साल खत्म होने को आएगी, अभी तक पूरा नहीं होगा, वो कभी ना कभी तो पूरा हो जाएगा। लेकिन 2000 साल से पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब जब पतरस ने प्रचार किया तो पतरस ने ऐसा बोला आखिरी दिनों में योएल भविष्यवक्ता ने कहा कि मैं मेरा आत्मा उंडेल दूंगा, ये तो हो गया आखिरी दिन हो गया। 2000 साल पहले अगर आखिरी दिन था तो हम कौन से दिन में जीवन जी रहे? हम तो आखिरी के भी आखिरी दिन में, मतलब समझ लो हम तो दिन में भी नहीं, हम आखिरी पल में जीवन जी रहे। इसका मतलब कभी भी पवित्र आत्मा ऐसा बोल सकते मेरा काम संपूर्ण हो गया, मेरा काम जो है वो खत्म हो गया, ऐसा पवित्र आत्मा कभी भी बोल सकते हैं। और एंटीक्राइस्ट जो है वो एंटीक्राइस्ट प्रकट हो जाएगा जैसे ही पवित्र आत्मा का काम खत्म और एंटीक्राइस्ट का काम जो है एंटीक्राइस्ट का काम शुरू। अब बहुत ध्यान समझा, इस संसार में आज जो बात चल रही है एक रैप्चर को लेकर और दूसरा क्लेश काल को लेकर। रैप्चर मतलब कलीसिया का उठाया जाना। हालेलुया। जाग रहे हो सभी? वे पानी रख देना, मुंह धो लेना, आसपास वाले एक दूसरे को देखते रहना, अगर कोई सो जाए तो उसको जगा लेना। हालेलुया। क्योंकि आपका ध्यान भी वहाँ पर जाने वाला है। तो एक रैप्चर को लेकर मतलब मंडली का उठाया जाना और दूसरा क्लेश काल को लेकर
बहुत सारी गलत फहमियाँ जो है वो गलत फहमियाँ चल रही है। इतने वचन से इतना तो पता चल गया यीशु मसीह कब आएंगे, एंटीक्राइस्ट के बाद। एंटीक्राइस्ट कब आएगा, यीशु मसीह के पहले। एंटीक्राइस्ट कब प्रकट होगा, जब पवित्र आत्मा का काम खत्म हो जाएगा। ये तीन बातों को पूरी तरह से ध्यान में रखना। प्रभु यीशु कब आएंगे, एंटीक्राइस्ट के बाद। एंटीक्राइस्ट कब प्रकट होगा, जब पवित्र आत्मा का काम खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इतनी बात को अपने दिल के अंदर रखना। अभी बाहर जो बातें चल रही क्लेश काल को लेकर, मतलब जो आखिरी विपत्तियां है उसको लेकर और रैप्चर को लेकर, लोग क्या बोल रहे कि यीशु मसीह आएंगे क्लेश काल के पहले, एंटीक्राइस्ट के पहले। आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि प्रभु यीशु कब आएंगे, एंटीक्राइस्ट के पहले आएंगे। एंटीक्राइस्ट के पहले बादलों पर आएंगे और जितने मसीह के लोग हैं उनको उठाया जाएगा, वो सभी बादल पर चले जाएंगे। फिर मालूम नहीं प्रभु यीशु को लेकर कहाँ जाएंगे। इतना तो बोलते हैं कि वो सभी ऊपर चले जाएंगे, चलो वो चले गए। उसके बाद यहाँ पर एंटीक्राइस्ट खड़ा होगा। अभी समझ लो, जब एंटीक्राइस्ट खड़ा हुआ तब परमेश्वर के लोग है ही नहीं। हम गलत जो मान्यता चल रही उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसको दिमाग में मत बिठाना, इसको सिर्फ सुन लेना हाँ कि गलत क्या है और सच क्या है। तो परमेश्वर के लोग ऊपर चले गए तो बाकी कौन से रह गए, बाकी तो उसके ही रह गए, मसीह के विरोध के रह गए। अब वो उनको क्यों सता है, समझे, अब वो उनको क्यों सता है। लेकिन लोग क्या बोलते, महाक्लेश काल उसके बाद आएगा। फिर लोग क्या बोलते, पवित्र आत्मा तो ऐसे ही बीच में सटा लिए गए, तभी तो एंटीक्राइस्ट आएगा। अब लोग क्या बोल रहे कि वो महाक्लेश का 7 साल चलेगा, उसके बाद प्रभु यीशु फिर आएंगे। देख कितनी बार आना हुआ उनका, ये तीसरी बार आना हुआ। पूरा बाइबल पढ़कर देख लिया, दूसरी बार लिखा है, कहीं पर तीसरी बार नहीं लिखा है। अभी समझ लो कि तीसरी बार आ गए। और जितने लोग 7 सालों में जिन लोगों ने ये एंटीक्राइस्ट की मुहर नहीं ली थी, जिन लोगों ने उसकी बनाई हुई मूर्ति की पूजा नहीं की थी, वो बचाए जाएंगे। अभी वो थे ही तो सब उसके, तो उसकी मुहर क्यों नहीं लेंगे, वो उसकी मूर्ति की पूजा क्यों नहीं करेंगे। जब पवित्र आत्मा ही नहीं थे, इनके पास इतना सामर्थ्य कहाँ से आया कि उसके सामने टिक पाए। हालेलुया। बहुत मसीही लोग इस बात से आश्वस्त है कि हमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो सभी पौलुस से बहुत अच्छे हैं, पौलुस से ज़्यादा सुसमाचार फैलाए हैं। पौलुस बेचारे को तो बार बार जेल में जाना पड़ा, सोटियों का मार खाना पड़ा, कोड़े खाने पड़े, उससे अच्छे अच्छे काम कर लिए कि उनकी सतावट ही नहीं होगी। तो ऐसी जो गलत मान्यता है, ऐसी गलत मान्यता इस संसार के अंदर चल रही। कई लोग तो ऐसा भी बता रहे कि जो कलीसिया ऊपर चली जाएगी, वो कलीसिया को लेकर प्रभु यीशु यरूशलेम आ जाएंगे, और यरूशलेम के अंदर सिर्फ प्रभु यीशु का राज, वहाँ प्रभु यीशु के लोग, और उसके बाहर जितने भी देश है वहाँ पर एंटीक्राइस्ट का राज है। और फिर वहाँ जो लोग हैं उनको आत्मिक शरीर मिल चुका है, तो वो लोग क्या करेंगे, प्रभु यीशु के समान किसी भारत में, जैसे हम लोग यहाँ प्रकट बीच में आ जाएंगे, यीशु को मानो, और हम तो मतलब जो वहाँ पर होंगे वो तो एंटीक्राइस्ट के लोग, मारो इसको, जैसे मारने के लिए जाएगा वो गायब हो जाएगा। बोले ऐसे सुसमाचार भी हमको तो फैलाना है। कई लोग तो ये भी बात कर रहे हैं, कई लोग ये बोल रहे हैं कि 1000 साल प्रभु वहाँ पर राज करेंगे, और 1000 साल के बाद यही लोग जो धरती पर थे वो इकट्ठा होकर यरूशलेम के ऊपर आक्रमण कर देंगे। ऐसा बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा। लेकिन ये सारी जो गलत फहमी है, गलत मान्यता है, वो सब चल रही है। लेकिन हमें इस सारी बातों से बाहर आना है। अभी देखो क्लेश काल जो है वो सही में है तो बहुत भयानक, और जो सच्चाई है बाइबल के अंदर, जो परमेश्वर इस सच्चाई के बारे में हमसे बात कर रहे हैं, हम उसके उस सच्चाई को जानना चाहते हैं कि सही में रैप्चर क्या है, सही में क्लेश काल क्या है, उसे हम बाइबल से देखना चाहते हैं। जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे तो प्रभु यीशु ने ऐसा बोला, हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। यूहन्ना 6 और उसका 39 और 40 पद। और मेरे भेजने
जो कुछ उसने उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खो परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। हाँ, प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने जो दिए, मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ मुझे मिला है, जो भी विश्वास लोग मुझे मिले उनमें से एक को भी मैं ना खाऊं, और उनको कब उठाऊं मैं? अंतिम दिन। हालेलुया, अंतिम दिन। अंतिम दिन मतलब आखिरी दिन, उसके बाद कोई दिन ही नहीं होना चाहिए। ये अंतिम दिन की बात है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि अंतिम दिन जो है मैं उसको उठाऊंगा। फिर आगे भी पढ़ो, दो बार लिखा है मैं उसको अंतिम दिन जिलाऊंगा। हालेलुया, प्रभु यीशु अंतिम दिन हमको उठाएंगे, आखिरी दिन। आखिरी दिन हमारे परमेश्वर जो है वो हमें उठाएंगे। जब परमेश्वर हमें उठाएंगे उस दिन क्या होने वाला है हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 29-30। परंतु जिस दिन लूत सदम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हाँ, अभी बहुत ध्यान समझना। प्रभु यीशु के प्रकट होने के दिन क्या होने वाला है उसके बारे में यहाँ पर बात की। मैं प्रभु यीशु जब दूसरी बार आएंगे, प्रभु यीशु जब दूसरी बार आएंगे तो क्या होगा? जब प्रभु यीशु दूसरी बार आएंगे तो बाइबल में लिखने के अनुसार प्रभु यीशु आएंगे तो बादलों पर, और जब बादलों पर आएंगे तो प्रभु यीशु जो है वो अपने लोगों को बादलों पर खींच लेंगे। लेकिन उस बात को यहाँ पर लिखा है कि कैसा होगा, तो बोले लूत के समय में कैसा हुआ, तो लूत के समय में क्या हुआ कि लूत सदोम में से बाहर निकला, मतलब बच्चा आए जाने के लिए। जैसे ही बाहर निकला वैसे ही क्या हुआ, ऊपर से आग आई। हालेलुया, ऊपर से आग आई और बाकी सभी लोगों को जलाकर भस्म कर दिया, सभी लोग खत्म हो गए। और फिर तीसरे पद में ऐसा लिखा है, पढ़ो तो, ऐसा ही होगा। एक शब्द ही जिसने इसको मजबूत कर दिया, यीशु मसीह के प्रकट होने के दिन ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा मतलब जैसे ही कलीसिया ऊपर उठाई जाएगी, परमेश्वर के लोग ऊपर उठाए जाएंगे, बाकी के जो लोग बचेंगे उनके पास दिन है ही नहीं। ऊपर से आग आएगी, सभी खत्म, ये आखिरी दिन हो गया। इसको कहते हैं आखिरी दिन उठाएंगे। पौलुस यही बातों को लिखते हैं पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय और उसमें 16-17 पद अगर पढ़ोगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, जब यीशु मसीह आएंगे तब ऐसा होगा जो मुर्दे जो प्रभु में सोए हुए वो लोग पहले उठेंगे, और हम जितने जिंदा है वो बदल दिए जाएंगे और दोनों साथ में ऊपर उठाए जाएंगे। हालेलुया, मतलब कलीसिया अकेले नहीं, जो जीवित है वो अकेले नहीं, लेकिन साथ में आदम से लेकर उस वक्त तक जितने भी प्रभु में सोए हुए वो सारे एक साथ उठाए जाएंगे, जीवित भी और प्रभु में सोए हुए लोग भी, ये सारे साथ में वहाँ पर उठाए जाएंगे। चलो उठाए तो जाएंगे, लेकिन ये दिन सही में है कौन सा? और पहले कुरंथी में लिखा है उसका 15 अध्याय, पहला कुरंथी उसका 15 अध्याय और जल्दी से पढ़ो कोई 22 और 23 पद। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हाँ, मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी। हाँ, सब लोग अपने अपने बारे से जिलाए जाएंगे। पहला फल मसीह। हाँ, पहला फल मसीह। देखो सबसे पहले मसीह, उनका पुनरुत्थान हो गया, वो तो जीवित हो गए। अब फिर मसीह के आने पर उसके लोग, फिर मसीह के आने पर उनके लोग, मसीह जब दूसरी बार आएंगे तब सारे लोग जो है मसीह के लोग उठाए जाएंगे। तो तीसरी बार क्या मसीह के लोग हो सकते? मसीह के लोग हो तो दूसरी बार उठाए जाएंगे, तीसरी बार की तो बात ही नहीं आती। हालेलुया, समझ में आ रहा है सभी को? तो पुनरुत्थान जो है, पुनरुत्थान का मतलब होता है मुर्दों में से किसी किसी लोगों का जीवित होना, सभी का नहीं। जितने मुर्दे सारे अगर जीवित हो जाए तो उसको पुनरुत्थान नहीं कहा जाता। पुनरुत्थान का मतलब होता है मुर्दों में से किसी किसी का उठना। तो उसके लिए बाइबल में लिखा है यूहन्ना उसका 5 अध्याय
और उसका 29वां पद। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, हाँ। और जिन्होंने बुराई की है, हाँ। वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, हाँ। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के लिए, उनको जीवन के लिए जिलाया जाएगा। उसके 1000 साल के बाद बाकी लोग जो बते वो दंड के लिए उठाए जाएंगे। पहले जो परमेश्वर के लोग वही, फिर लुका में लिखा उसका 14वां अध्याय उसका 14वां पद। तब तू धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, हाँ। परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। धर्मियों के जी उठने पर मतलब जो पुनरुत्थान होने वाला है उस दिन तुझे फल मिलेगा, जब न्यायी लोग धर्मी लोग जो है वो उठाए जाएंगे। फिर इब्रानी में लिखा है उसका 11वां अध्याय उसका 35वां पद। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। उत्तम पुनरुत्थान, देखो क्या लिखा है, एक तो जीवन का पुनरुत्थान, एक लिखा है उत्तम पुनरुत्थान और एक लिखा है धर्मियों का पुनरुत्थान। हालेलुया, ये सभी एक ही बात है कि जिसमें पुनरुत्थान बोले तो उसमें से मसीह के लोग जो है वो मसीह के आने वक्त आने के वक्त जिलाए जाएंगे। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 20वां अध्याय उसका 4, 5 और 6 पद। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी। यहाँ पर ऐसा लिखा है जिसने ना तो उस पशु मतलब एंटीक्राइस्ट की मोहर ली थी, ना तो उस पशु की बनाई हुई मूर्ति की पूजा की थी, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य, ऐसे लोग जीवित हुए मतलब मसीह के विरोधी के आने के बाद की बात है। ऐसे लोग जीवित हुए और मसीह के साथ 1000 साल जीवित रहे। फिर क्या लिखा है उसके बाद, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, हाँ? तब तक विशेष मरे हुए न जी उठे, बाकी के मरे हुए लोग जीव न उठे। और फिर क्या लिखा है, यह तो पहला मृतकोत्थान है। ये पहला मृतकोत्थान पुनरुत्थान, ये पहला पुनरुत्थान यही है। हालेलुया, ये पहला पुनरुत्थान है। और फिर क्या लिखा है, पहले पुनरुत्थान में कौन लोग है, धन्य और पवित्र लोग, आशीषित और पवित्र लोग इस पहले पुनरुत्थान में। इसका मतलब उसके बाद जो भी जिलाए जाएंगे उसमें ना तो कोई धन्य है, ना कोई आशीषित है, ना कोई पवित्र है। हालेलुया, तो परमेश्वर के राज के लिए तो एक ही बार जिलाया जाएगा। परमेश्वर एक बार आ चुके, अब दो बार नहीं आने वाले, दूसरी और तीसरी बार नहीं आएंगे, दूसरी बार आएंगे तीसरी बार नहीं, दो बार अपने लोगों को लेने के लिए नहीं आएंगे। एंटीक्राइस्ट के ज़माने में ऐसा कोई नहीं है जो मसीह को माने, और एंटीक्राइस्ट के पहले ऐसे नहीं कि जिनको उठाया गया, ऐसे दो बार नहीं परमेश्वर अपने लोगों को लेने के लिए आने वाले, एक ही बार परमेश्वर अपने लोगों को लेने के लिए आने वाले। कई लोग क्या बोलते हैं कि पहली बार आएंगे ना वो चोर की नाई आएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा भी है चोर की नाई। फिर उसके बाद तो सभी को पता चलेगा कि 7 साल है एंटीक्राइस्ट के लिए, तो बोले जैसे ही प्रभु यीशु का दूसरी बार आना होगा हम तारीख के साथ बता सकते 7 साल के बाद यही तारीख यही महीना यही दिन प्रभु यीशु आ जाएंगे। वो चोर की ना ही नहीं, क्योंकि सभी को पता होगा। ऐसा अफवाह फैलाने वाला या तो गलत फहमी में रहने वाले या तो गलत मान्यता में चलने वाले लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों की उसका 5वां अध्याय उसका 2वां पद। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। चोर फोन कर आता है, चोर चिट्ठी डाल कर आता है, चोर SMS डाल कर आता है, जागते रहना मैं आ रहा हूँ। मैं कब पता चलता है चोर आकर चला गया, तो बोलते प्रभु भी आकर चले जाएंगे तब लोगों को पता चलेगा। लेकिन उसका 4वां पद पढ़ते हैं। और हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। हालेलुया, मसीह के लोगों के लिए क्या लिखा है, आपके लिए वो दिन चोर के समान नहीं है,
आपको तो पूरा पक्का पता चलेगा हाँ यीशु आए, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के आने के बाद कौन जिंदा होंगे? मसीह में जो मुर्दा थे कौन बदल दिए जाएंगे? जो मसीह के लोग, तो मसीह को देखेंगे ना, उनको पता, उनको ऐसा लगे अरे कब आए कब चलेगा, हमको पता नहीं चला। तो चोर की नाई किसके लिए? जो मसीह को नहीं मानते। लेकिन जो मसीह को मानते उनके लिए प्रभु यीशु का दूसरी बार आना चोर के समान नहीं है। हालेलुया। अगर आप ऐसा बोलते हो कि प्रभु यीशु का आना चोर के समान है आपके लिए, तो समझ लेना कि आप नरक के वारिश हो। लेकिन आप बोलते हैं मेरे प्रभु आएंगे और मैं देखूंगा, उनके साथ जाऊंगा, तो ही आप प्रभु के लोग। लेकिन बोलने से नहीं, लेकिन ऐसा जो है वो होने वाला है। तो हम जो है जो परमेश्वर को जानते हैं मानते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु का दिन चोर के समान नहीं है। आज कई लोग बोलते हैं अभी तो बहुत साल लगेंगे, तो समझ लेना कि वो नरक में भी बहुत साल जाएगा, गिनती भी खत्म नहीं होगी इसकी, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। लेकिन जो बोलेगा नहीं अभी आ सकते, वो क्या करेगा? तैयार रहेगा कि नहीं मेरे प्रभु यीशु आ रहे तो मुझसे क्या करना है, मुझसे तैयार रहना है। तो कई लोग इस तरह से आश्वस्त है कि कलीसिया उठाई जाएगी, अगर उस वक्त हम नहीं गए तो पता तो चल जाए, कई लोग चले गए। ऐसे कई वीडियो भी आ चुके जिसमें अचानक से लोग गायब हो जाते, जोड़े जाते हैं, आसपास ढूंढने लगते अरे कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, फिर वो लोग बोलते हाँ बाइबल में लिखा था ना ऐसा हुआ। फिर वो लोग क्लेश काल में बोलेंगे हम ऐसे बने रहेंगे प्रभु में कि उसके बाद 7 साल के बाद हमारा भी जाना हो जाएगा। तो कई लोग इस बात से आश्वस्त है, कोई बार नहीं, जैसा जीना है जियो, पहली बार नहीं गए दूसरी बार तो चलेंगे, चले जाएंगे, हमको पता चल जाएगा तो हम मुहर लेंगे। जो आज एंटी क्राइस्ट नहीं है तब परमेश्वर में नहीं रह सकता, वो एंटी क्राइस्ट में क्या खाक रह पाएगा जब इतनी सतावट होगी? जब आज नहीं रह पाता तो उसको कौन सा रह पाएगा? जैसी गलत फहमी अगर हो तो उसको निकाल देना, क्योंकि मत्ती में ऐसा लिखा उसका 24वां अध्याय और उसका 21वां पद, और प्रार्थना करो कि तुम्हें जान जाए में डाल दिया जाए, या सबक के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, ये ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक न हुआ और न कभी होगा। ये ऐसी विपत्ति है क्लेश काल में, प्रभु के आने से पहले जो क्लेश काल है, अगर हम जिंदा है तो उस वक्त होंगे हम, ये मत समझना कि हम उठाए जाएंगे, तब तक कोई नहीं उठाया गया। उस क्लेश काल में अगर हम होंगे तो क्लेश काल के बारे में ऐसा लिखा है कि वो इतना भारी है कि जगत पैदा हुआ तब से लेकर आज तक ऐसा क्लेश काल आया नहीं और ना ही आने वाला है। हालेलुया। ये बहुत ही भारी क्लेश काल है, जो आज नहीं टिक पाता वो उस वक्त भी भूत से भी वो नहीं टिक पाएगा। लेकिन बहुत ध्यान समझना कि पौलुस कैसे मर गए, उनकी गर्दन उड़ा दी गई, पतरस कैसे मर गए, उनको क्रूस के ऊपर उनको भी मार दिया गया, उनके बाद क्रूस के ऊपर उनको उल्टा रखा था। जितने भी प्रेरित उनके बारे में अगर आप जानो तो सभी प्रेरितों को बहुत बेरहमी से मारा गया, कोई भी मरा नहीं, सभी को मार दिया गया। जो यूहन्ना जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा कि उनको 2 बार तेल की कढ़ाई में उबलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया था, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में भूखे प्यासे वो पात्मस नाम का जो बेट था उसके ऊपर वो मर गए। कोई भी परमेश्वर के लोग हैं वो सीधी सी मौत जो है वो नहीं मरे। और दूसरा तीमोथी में लिखा है उसका 3रा अध्याय और उसका 12वां पद, पर जितने मसीह यीशु में मरे हैं भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है जो भक्ति के साथ सच्चाई के साथ परमेश्वर में बने रहेंगे वो क्या होगा? उनकी सताहट होगी। सही में तो ऐसा लिखा उनकी सताहट होगी ही होगी, ऐसा मगर सताहट होगी। अगर हम मसीह में चलेंगे ना तो सताहट तो होगी, चाहे कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ। अभी मेरी किसी बहन जी के साथ बात हो रही थी, वो मसीह देश में है जहाँ पर मसीह के लोग, बोले यहाँ पर भी मुझे सताया जा रहा है अन्य जाति के लोग। मैंने बोला तो मसीह लोगों का देश है और मसीह को सताया जाता है, कैसे हो सकता है? बोले यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, सब तो लोगों को मानना है ऐसा कि मसीह देश, ऐसा कुछ नहीं, बाहर से मसीह जाना जाता है, यहाँ पर नर्क के समान जीवन है। बोले कितनी भारी बात, हमको ऐसा अगर लगे कि हम अमेरिका में सेफ है वो मसीह देश है तो गलत फहमी है। हम समझे अगर कैनेडा में ऑस्ट्रेलिया में नहीं, सच्चाई से और आत्मा से चलोगे तो कहीं पर भी जाओ ना। इसराइल में तो प्रभु यीशु आए थे, इसराइल के लोगों ने मार दिया,
तो कहीं पर भी जाओ, सतावट अगर मसीह में सच्ची तरह चलोगे तो सतावट तो जो है वो तो होगी। लेकिन आज के लोग क्या मानते हैं, हमें सतावट होनी नहीं चाहिए, हम जो सतावट है उस सतावट में जाना ही नहीं चाहते, और इसलिए ऐसे कैसे वचन मालूम ने कहाँ से निकाल कर लेकर आए, हमें कुछ नहीं होगा, हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे। कई तो ऐसी कलीसिया है जो ये क्लेश काल के बारे में सिखा ही नहीं रही, क्यों? क्योंकि उनका ऐसा, हम तो पहले जाना है, फिर सिखाने से क्या फायदा, ये बस सीखो ही मत, कब प्रभु तो छोड़ो यार उसको, हमें तो ऊपर ही जाना है। तो कई लोग ऐसे जो इस बात को वो सिखाते ही नहीं, लेकिन क्लेश काल है हमारे लिए, जितने भी मसीह के लोग हैं उनके लिए क्लेश काल है। दूसरे कुरंथी में लिखा है जो पौलुस जो थे उनके ऊपर कितना क्लेश पड़ा था, और उसका 10वां अध्याय और को जल्दी से पढ़ेगा उसके 23 पद से। हाँ पढ़ो जल्दी से, पहला करो। नहीं, दूसरा करो थी 10वां अध्याय। हाँ ग्यारह 23 से, क्या मेरी मसीह के सेवक है, मैं पागल के समान करता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, थोड़े खाने में, बार बार जूते के जोखिम होंगे, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने पैसे खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहर जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। देखो पॉलुस कितनी बातें बोल रहे थे, पॉलुस बोलते मैं मुझे बार बार जेल में जाना पड़ा, मैं सबसे ज़्यादा बार जेल में गया, मुझे 5 बार यहूदी लोगों ने 39 कोड़े मेरे ऊपर बरसाए, मेरे ऊपर पथराव किया गया, कितनी सतावट उनकी हुई है। अभी देखो बुद्धिया समझता कि क्लेश काल में इससे भी कुछ ज़्यादा होगा, यहाँ पर डरना मत कोई, हाँ डरने से कुछ नहीं होगा, हालेलुया। हाँ ये पॉलुस जो है वो ऐसा जीवन जी पाए, उनके जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ आई, बार बार जेल में गए, अभी 1 बार जेल में गए चलो ठीक है, 2 बार जेल में गए फिर छोड़ने देना चाहिए परमेश्वर को, छोड़ो यार एक परमेश्वर कैसा है इनके पीछे चले तो जेल होते, छोड़ो हम भी शांति से घर में बैठे बैठे हालेलुया करते रहेंगे, हमें कुछ नहीं कर रहा है, जब कोड़ों की मार पड़ती तो छोड़ो ये नाम छोड़ दो, या तो घर में बैठे बैठे करो, लेकिन फिर भी लोग तो बाहर निकल निकल कर करते थे, और पॉलुस तो बार बार बोलते थे मुझे तो पवित्र आत्मा खुद बताते हैं कि तुझे बांध दिया जाएगा, तुझे मार दिया जाएगा, मैं तो पवित्र आत्मा को ही बोल देता कोई बात नहीं मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी ताकत कैसे मिल सकती है। और फिलिपी में ऐसा लिखा है, फिलिपिया उसका 4वां अध्याय उसका 13वां पद, जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है और सामर्थ्य देने वाले पवित्र आत्मा, पौलुस ऐसा कहते हैं जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अभी भी बहुत ध्यान समझना कि पौलुस को सामर्थ्य मिलता है कोड़े खाने का, पौलुस को सामर्थ्य मिलता है पथराव खाने का। चलो आपके पास सामर्थ्य मिल गया तो क्या आप पत्थर खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्या कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो सामर्थ्य मिला है अब आप 50 फटके आराम से खा सकते हो, कोई बात नहीं मार दो फिर खाने के बाद कुछ तो होगा ना, हालेलुया। तो वो ध्यान समझना कि पौलुस जो बोल रहे कि जो मुझे सामर्थ्य देते हैं मतलब पवित्र आत्मा उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी बहुत ध्यान समझ कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मतलब क्या है, पवित्र आत्मा कौन सा सामर्थ्य देते हैं, हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय और 12 और 13 पद, हे प्रियो जो दुख और उसी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुमने बढ़ती है, इससे यह समझ कर अचंबा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित हो और मगन हो। यहाँ पर ऐसा पत्रस लिखना चाहते हैं पवित्र आत्मा के जरिए, वो ऐसा कहते हैं कि आपके ऊपर जो अग्नि के समान आग के समान जो दुख पड़ते हैं आपके ऊपर,
आग के समान दुख, मतलब ऐसा वैसा नहीं मेरी सास मुझे सता रही है, बहू गालियां बोल रही, ये तो कुछ भी नहीं है। ये सतावट ऐसी है कि जैसे ऐसा लगे कि आप आग में चले गए। बोले ऐसी जो आग के समान जो सतावट आपके ऊपर है, वो ध्यान समझना। तो बोले इसमें गम मत करो, अचंबा मत करो, लेकिन क्या वो खुश हो जाओ, ऐसा लिखा है, आप आनंदित हो जाओ। अभी देखो कोई कोड़े मार रहा है, 39 फटके मार रहे, बार बार जेल में डाल रहे, और हम आनंदित हो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है क्या? तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता, जब ऐसे आग के समान दुख आए तो बोले आप आनंदित हो। क्यों आनंदित हो? तो बोले कि आप मसीह के दुखों के सहभागी हो। हालेलुया, मसीह के दुखों के सहभागी। किसके? मसीह के दुखों के सहभागी। यशाया ने ऐसा लिखा, यीशु मसीह ने हमारे दुख सहे। हालेलुया, हमारे दुख किसने ले लिए? यीशु मसीह ने। अब क्या यीशु मसीह अपने दुख तुम्हें देंगे? पत्रस ऐसा लिख रहे कि आप आनंदित इसलिए हो कि यीशु मसीह के दुख के सहभागी। अभी समझ लो हम मरकर चले गए, किसी ने हमको मार दिया, जान से मार दिया, बहुत मारा, मसीह के कारण हम मर के ऊपर चले गए। हे यीशु, इधर आओ, क्रूस पर आप अकेले नहीं मर गए, मैं भी था मरने में। बोल पाओगे आप? मैं आपके दुख में सहभागी था, बोल पाओगे? नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि जो हमारे दुख ले लेते वो अपने दुख कैसे देंगे? वो नहीं देंगे। और इसलिए होता क्या है, जब ये लोग 39 कोड़े ये पौलुस को मार रहे, पौलुस देख रहा है सही में मार रहा है कि नहीं, क्योंकि उसको कुछ हो ही नहीं रहा है। ये है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। ये नहीं कि आपको बल मिलता है, वो पीछे मुड़ मुड़ कर देगा सही में मार रहा है कि नहीं। बहुत पत्थर मारे उसको घसीट कर जाकर डाल दिया। लोग सोच रहे कि क्या होगा, पौलुस उठा, बोले कहाँ जाना, बोले वापस सिर में, अरे अभी तुझे पत्थर मारे कहाँ, दिखाई तो नहीं देते, दर्द तो हो नहीं रहा। हालेलुया, इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ। लोग डराते हैं, क्लेश काल, हाँ है क्लेश काल, आने दो ना एंट्री क्रैश को, उसको बोलो ना मुझे कोड़े मारे, पीठ आपकी दिखाई देगी, कोड़े मेरे यीशु खाते होंगे, आपको कुछ नहीं होने वाला। ये है पवित्र आत्मा का सामर्थ। लोग डरते हैं कि उनकी मुहर नहीं लेंगे, चाय पीने के लिए दूध कहाँ से लाएंगे? अरे मेरे भाई, आपके वहाँ जो दूध होगा ना एंट्री क्रैश के आने से पहले जो रहा होगा ना, जब उस विधवा का 3.5 साल तक आटा खत्म नहीं होता, उसका तेल खत्म नहीं होगा, तो क्या परमेश्वर आपका कर देंगे? अरे क्या मुहर की जरूरत, बाजार जाने भी नहीं देंगे आपको तो। हालेलुया, बाजार जाओगे तो पूछेंगे ना मुहर कहाँ है, और जितने बाजार गए वो लेकर ही आएंगे मुहर। हालेलुया, तो ये है पवित्र आत्मा का सामर्थ। लगता है ऐसा है कि मार रहा है, पीछे मुड़कर दे दिखाए, अरे लगता मार तो रहा है लेकिन है नहीं। खून आपका नहीं बहा, खून प्रभु यीशु का बहता है। दर्द आपको नहीं होता, दर्द मेरे प्रभु यीशु को होता है। इसलिए बोल रहे हैं आप मसीह के दुखों के सहभागी। आपने नहीं सहा, लेकिन आप सिर्फ वहां थे सहभागी। जब ऐसा होता कोई मर जाता है तो हम कैसे मुंह बना कर जाते हैं, हमें दुख होता है लेकिन उनके सामने तो मुंह बना कर जाते हैं ना। बस ऐसे हम यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, मारते यीशु मसीह को, और हम समझेंगे हम को मारते, कुछ नहीं होता हमको, क्लेश काल कुछ भी नहीं है। हालेलुया, क्लेश काल से डरो मत, शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो आपको कुछ नहीं कर सकता। आपके घर में अगर कुछ भी नहीं है, परमेश्वर आसमान से बरसाएंगे, मानना नहीं बरसाया था, मीट खाने का मन करेगा तो आएगी मुर्गी उड़ती उड़ती आपके घर में, काट देना उसको, कोई बात नहीं। हालेलुया, लेकिन हमारे परमेश्वर इस तरह से हमारा पूरा करेंगे। ये तो लोग ऐसे ही डरा क्लेश काल में, हम नहीं तो कौन सा अनुभव करोगे पवित्र आत्मा के सामर्थ का, जब नहीं हो तो, जब बयाना नहीं रहेगा तो कौन सा परमेश्वर के राज में जाओगे? बोलो मैं क्लेश काल में जाऊंगा, हाँ तैयार रहो, मुझे जाना है क्लेश काल में, क्यों? मुझे चमत्कार देखना है। हालेलुया, मुझे चमत्कार देखना है, किस तरह से उस विधवा का आटा खत्म नहीं होता था। मैंने कई बार वो 500 रुपये की गवाही मैंने बताई, अनुभव कर चुके हैं, परमेश्वर करते ऐसा की। हालेलुया, परमेश्वर हमें वो सब कुछ देते। बोल उसको कुछ नहीं होता था, वो तो लोगों को पौलुस दिखते थे लेकिन सही में वहाँ पर पौलुस नहीं होते थे।
जो मार पड़ते थे, जो पत्थर पड़ते थे, जो कोड़े पड़ते थे, वो परमेश्वर को पड़ते थे, और पौलुस या पत्रस उनको कुछ भी नहीं होते थे। इसलिए तो पत्रस बोलते हैं कि खुश रहना। आजकल क्या है, लोग बोल देते कि प्रभु मैं आपकी सेवा करूँगा, कभी यहोशू के समान 40 साल सेवा करने के बाद बोलना प्रभु मैं आपकी सेवा करूँगा। ये तो जब सेवा नहीं दिखती इन लोगों को, देखते होंगे ये तो दूध पी रहा है, अच्छे घर में रह रहा है, अच्छी गाड़ी घुमाता है, चलो परमेश्वर की सेवा करते हैं। जब निकलते तब पता चलता है गाड़ी कैसे आती है और दूध कैसे पिया जाता है। नहीं प्रभु मैं सेवा नहीं करूँगा, 40 साल सेवा करो बाद में बताओ। पत्रस ने मार खाया, बाद में बोलता है आनंदित रहो। आनंदित रहने के बाद लिखा उन्होंने, बुढ़ापे में लिखा कि पहले आनंदित हुए, उसके बाद में लोगों को बोला कि आप आनंदित हो। क्लेश काल है तो भयानक सा है, लेकिन हमें कुछ नहीं होगा। क्लेश काल की किसके लिए भयानक सा है, बाइबल में लिखा है। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसका 2 पद। हाँ, किसको फोड़ा निकला, जिसके ऊपर किसकी मोहर थी, एंटीक्राइस्ट की मोहर। जब हमने ली नहीं तो फिर एक क्लेश काल से हमें क्या लेना देना है। निकलना तो जिसको फोड़ा निकलना है, वो जो एंटीक्राइस्ट के लोग हैं उनको फोड़ा निकलता है। ये एंटीक्राइस्ट नहीं दे रहा है, वहाँ पर स्वर्गदूत लिखा है, स्वर्गदूत ने ऊपर से परमेश्वर के क्रोध का जो कटोरा था उसको उंडेल दिया। एक के बाद कटोरे जो है वो उंडेल दिए जाते थे, और आखिर में ये लोग जो थे उनको परेशानी होती थी, और उनके ऊपर जो क्लेश काल जो था वो सही में क्लेश काल था। क्लेश काल एंटीक्राइस्ट की वजह से तो नहीं है, इतना याद रखना, क्योंकि हमारे सारे दुख किसने लिए, मसीह ने लिए, तो हमें कुछ नहीं हुआ। क्लेश काल किन के लिए है, जो मसीह के विरोधी के लोग हैं। क्लेश कौन देगा उन्हें, हमारे परमेश्वर देंगे। हालेलुया, वो हमें क्यों देंगे क्लेश काल। तो क्लेश काल में हम लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं, क्लेश काल मसीह लोगों के लिए। अरे मसीह लोगों के लिए नहीं, जो मसीह के लोग नहीं है उनके लिए तो क्लेश काल है। हालेलुया, समझ गए। तो क्लेश काल जो है हमारे लिए नहीं है, विपत्तियां हमारे लिए नहीं है, हम उसमें है, लेकिन हमें वहां पर कुछ भी नहीं होने वाला। अब बहुत ध्यान समझना, सुनने में सब कुछ अच्छा लगता है कि कोड़े मारेंगे हमें कुछ नहीं होगा, पत्थर मारेंगे हमें कुछ नहीं होगा, हमारे घर में जितना खाना है वो बढ़ता ही जाएगा लेकिन कभी कम नहीं होगा। लेकिन सारी बातों का आधार एक ही बात पर है, और वो है बयाना, मतलब पवित्र आत्मा। अगर वो नहीं आपके पास तो समझ लो आम लोगों को जो होने वाला है उस सभी को होगा। जिसके पास ये बयाना है, जिसके पास पवित्र आत्मा है, सुनने में सब कुछ अच्छा लगता है भी अच्छी बात, लेकिन अगर उस वक्त पवित्र आत्मा नहीं, तो पवित्र आत्मा नहीं उसको कब उस वक्त जाँचेंगे, क्लेश काल में जाँचेंगे कि मेरे पास पवित्र आत्मा है कि नहीं। उसको आज जाँचना है, आज देखना है कि मेरे पास है कि नहीं। और मत्ती में लिखा है उसका 12 अध्याय और उसका 33 पद। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा हो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ किस से पहचाना जाता है, फल से। पवित्र आत्मा के फल है तो पवित्र आत्मा क्या हुए, पेड़ है। पवित्र आत्मा को फलों से जांचो कि आपके अंदर है कि नहीं। अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो, कभी कभी निंदा करने के लिए जाते हो, समझ लेना पेड़ नहीं है। अगर आप चुगली कर रहे हो तो समझ लेना आपके अंदर वो पवित्र आत्मा का पेड़ नहीं है। अगर घमंड है तो समझ लेना वो पवित्र आत्मा नहीं है। जो होने वाला है वो तो होगा, क्लेश काल जो आना है वो आएगा, एंटीक्राइस्ट को जो खड़ा होना है, प्रकट होना है, वो तो होगा। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, ये सारे भविष्य वचन, सारे भविष्य वचन बाइबल की बहुत सारे भविष्यवाणी है जो पूरी हो चुकी है, और बहुत सारे भविष्यवाणी ऐसी भी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। लेकिन ज़्यादातर आज तक ऐसा हुआ है कि भविष्यवाणी पूरी होने से पहले ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करते,
मैं देखा है कि लोगों को सपने आते हैं, लोगों को विजन होते हैं, उसका मतलब बताया जाता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं मानते, सपना था, विजन था, भूल जाते हैं, एक साल के बाद, दो साल के बाद वो बात आकर रह जाती है। अब एक भाई साहब का मोबाइल खो गया, उन्होंने मुझसे बताया 3 साल पहले, बोले ऐसा सपना आया था, मोबाइल खो गया। 3 साल के पहले अगर बात बताई गई थी तो 3 साल के बाद पता होनी चाहिए थी। ज़्यादातर लोग जो भविष्यवाणी है उसको भूल जाते हैं। बाइबल में लिखे, हम बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि भविष्यवाणी पूरी नहीं होती, लेकिन होगी तो हमारा जीवन कहाँ पर है? क्या हम उस भविष्यवाणी के लिए तैयार है? क्या उस एंटीक्राइस्ट के समय के लिए क्या हम तैयार है? कितनी सारी भविष्यवाणी जो है बाइबल में पत्रस ने लिखा कि पवित्र आत्मा के जरिए जो भविष्यवाणी है वो लोगों ने लिखी, लेकिन एक यूहन्ना जिसे प्रकाशित वाक्य लिखा, यूहन्ना ने भविष्यवाणी सुनकर नहीं लिखी। यूहन्ना ने भविष्यवाणी किसी स्वर्ग से सुनकर नहीं लिखी, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 17 पद। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, हिम्मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। हाँ, ये प्रभु के बारे में लिखा है। जब मैंने उसे देखा, ये यूहन्ना बोल रहे, यूहन्ना क्या बोल रहा, बहुत ध्यान समझना। जब मैंने यीशु मसीह को देखा, यीशु को देखा, यीशु जब मसीह बन कर आए थे तब तो छाती के ऊपर अपना सर रख कर आराम से बैठते थे, लेकिन जब जज के रूप में उनको देखा, जब परमेश्वर के स्वरूप में देखा, क्या लिखा है, जब मैंने उन्हें देखा तो बोले मैं मूर्दों सा अधमरा सा वहाँ पर गिर पड़ा। यूहन्ना ने प्रभु यीशु को देखा। उसके बाद क्या हुआ, यूहन्ना और भी कुछ देखते हैं, और उसके 5वें अध्याय में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय, और पढ़ने में थोड़ा सा जल्दी रखना, उसके दूसरे पद से कोई पढ़ो तो। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के युद्ध पर है, और न स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला, और मैं फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। तो उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वासी जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। अब ध्यान समझो, यूहन्ना ऐसा लिख रहे, मैं वहाँ पर मौजूद था, हालेलुया, और वहाँ पर राजासन बिछाया हुआ था और वहाँ पर पुस्तकें रखी हुई थी जिसकी मोर खोलने के लिए कोई योग्य नहीं था, और बताया गया कि कौन खोलेगा इसको, चारों ओर सन्नाटा और कोई उसको खोल नहीं सकता, कोई भी योग्य नहीं था। यूहन्ना ऐसा बोलते मैं फूट फूट कर रोने लगा, हालेलुया। सभी लोगों ने दर्शन देखा लेकिन यूहन्ना वहां पर है, ये अभी तक हुआ नहीं, ये होने वाला है, लेकिन जो होने वाला है वो हो रहा था तब यूहन्ना वहां पर मौजूद थे। समझ में आ रही बात? सभी लोगों ने परमेश्वर से भविष्यवाणी को सुना, उस भविष्यवाणी में वो लोग नहीं थे। दानियल को बताया गया कि ऐसा होगा, दूसरी बार जब ये मंदिर बनाने की भविष्यवाणी होगी या उसका हुक्म ठहराया जाएगा, वहां से तो गिनती शुरू करना और उसके 70 सप्ताह के बाद मैं आ जाऊंगा, लेकिन 70 सप्ताह में कहीं पर दानियल वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन यूहन्ना तो अपनी भविष्यवाणी में मौजूद है। बोले मैं वहां पर था और बोले कोई भी मोर नहीं खोल सकता था, तो मैं रोने लगा, और तभी प्राचीनों में से एक आया, उसने मुझे बोला मत रो, देखो मेमना, उसने देखा मेमने को, अरे ये विजयवंत हुआ है, ये मूर्ख खोल देगा। यूहन्ना वहां पर थे, उन्होंने ये बात देखी है जो होने वाली है, उन्होंने वर्षों पहले देख ली, हालेलुया, कितनी बड़ी बात, उन्होंने देखकर लिखा है, सुनकर नहीं लिखा, वो वहां पर मौजूद थे।
उसका 17 अध्याय पढ़ो तो उसका पहला पद और आखिरी पद प्रकाशित वाक्य 17 एक और 18 पद और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। 18 पद जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है। हाँ, जो जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। देखो एक ऐसा देश जिस धरती के सभी देशों के ऊपर राज कर रहा है। हालेलुया, सभी देशों के ऊपर राज कर रहा है। उस देश को यूहन्ना ने वहां पर देखा। लोगों को आज मालूम नहीं कि वो देश कौन सा है जिसका एंटीक्राइस्ट नाश कर देगा, लेकिन उस देश को किसने देखा? यूहन्ना ने देखा वहां पर, उसने वहां पर देखा। फिर उसका 14 पद पढ़ो तो, ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। मेमने के साथ एंटीक्राइस्ट लड़ेंगे। यूहन्ना ने लड़ाई देख ली। हालेलुया, देखो जो अभी तक हुई नहीं जो होने वाली है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने दिखा दिया। उसका मतलब एंटीक्राइस्ट जो भी है उसको यूहन्ना ने देखा। हालेलुया, अगर आज यूहन्ना यहाँ पर आ जाए तो कितना मजा आ जाए। यूहन्ना को बोल दे उसका नाम बता दे यार, कौन था वो, उस देश को बता दे कौन था, उसने देखा हुआ है। यूहन्ना ने ये बात देखी हुई है, उस देश का नाश पूरा प्रकाशित वाक्य देखना, यूहन्ना ने देखा है। यूहन्ना ने सारी बात देखी, एंटीक्राइस्ट को देखा, उस देश को देखा जिस देश का नाश होने वाला है, वो लड़ाई को देखी, प्रभु से कुछ जंग को देखा जहां पर लिखा हुआ है कि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु जो स्वर्ग यरूशलेम पर से नीचे आने वाला है, हम जाएंगे तब जाएंगे। यूहन्ना ने तो देख लिया, उसके 12 दरवाजे है, 12 दरवाजे के ऊपर किसके नाम लिखे? प्रेरितों के नाम। उसमें एक पर नाम लिखा होगा यूहन्ना, और यूहन्ना खुद देख रहे, अरे मेरा नाम परमेश्वर ने बताया नहीं, सुना नहीं, यूहन्ना ने वहां पर देखा। हालेलुया, जितनी भविष्यवाणी बोली गई अगर वो पूरी हुई तो जिसने भविष्यवाणी देखी क्या नहीं पूरी होगी? क्या एंटीक्राइस्ट नहीं आएगा? क्या क्लेश काल नहीं आएगा? क्या लोगों को सताया नहीं जाएगा? ये सब कुछ होगा वहां पर, क्योंकि ये और भविष्यवक्ता ने जो कुछ लिखा उससे भी ज्यादा सबूत वाला अगर किसी ने लिखा तो यूहन्ना ने लिखा। यूहन्ना उस वक्त वहां पर थे, वो वहां पर थे, उन्होंने देखा, वो वहां पर हाजिर है। कितनी बड़ी बात, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं कि किसी ने लिख दी सुनकर। यूहन्ना ने जो भी लिखा वो यूहन्ना ने कैसे लिखा? देखकर लिखा, लोगों के सर में सर से लेकर पांव तक फोड़े, उसे देखे, ऊपर से एक सितारा गिरा गया और धरती के तीसरे लोग 3% मतलब 33% लोग मारे गए, उन्होंने देखा, इन सभी की लाश देखी, उन्होंने हम सभी को वहां पर देखा होगा, या तो मरते हुए या तो स्वर्ग में जाते हुए, उन्होंने देखा है हमें। अगर आज यूहन्ना आ जाए तो हम पूछ सकते हैं यूहन्ना में था कि नहीं। यूहन्ना ने सबको देखा, वहां पर क्या हुआ क्या नहीं, कैसे हुआ कैसे नहीं, सब कुछ देखा। बोले धरती चली गई, आसमान चला गया और सभी लोग बीच में इकट्ठा हो गए, भेड़ों को अलग किया गया, बकरे को अलग किया गया। यूहन्ना ने देखा वहां पर, ये सारी बातें यूहन्ना देख रहे, उन्होंने सुना नहीं। यूहन्ना ने ये सारी बातें जो है वो वहां पर देखी, जीवन के पुस्तक को देखा। लोगों को तो ये नहीं मालूम मेरा नाम है कि नहीं, लेकिन पूरा पुस्तक यूहन्ना ने तो वहां पर देखा। साथ में कैसा पुस्तक, जिसमें हमारे करने लिखी गई वो करनियों का पुस्तक भी यूहन्ना ने तो वहां पर देखा। उसमें जैसे जैसे लिखा था वैसे वहां पर न्याय किया गया। और जो वचन आज हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और हम पढ़ते उसका 8वां पद, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जो ये बातें सुनता था और देखता था, यूहन्ना क्या बोल रहे, मैं देखता था ये सारी बातें, मैं वो हूँ जिसे सारी बातें देखी। यूहन्ना गलत नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहे,
जो होने वाला है वो पहले से देख चुके होंगे। मालूम नहीं परमेश्वर ने कैसे दिखाया, लेकिन यही तो सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, जो सब कुछ बता सकते हैं। फिर उसके चौथे अध्याय में लिखा उसका पहला पद, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। देखो क्या बोल रही हूँ ना, मैं क्या देखता हूँ, यूहन्ना ने ये सारी बातें देखी। यूहन्ना ने अपना नाम स्वर्ग में के उस दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ देखा था, अपना नाम देखा था। इसका मतलब 100% यूहन्ना वहाँ पर है, बात तय हो गई, वो बात पक्की हो गई। 12 चेलों को ये बोला गया था, प्रभु से बोला था कि आप सिंहासन के ऊपर बैठकर 12 गोत्र का न्याय करोगे, तो यूहन्ना ने वहाँ पर अपना सिंहासन भी देख लिया, उन्होंने वो दरवाजा भी देख लिया जिसके ऊपर यूहन्ना लिखा होगा, और वहाँ से कई लोग जाएंगे। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा दरवाजा, उसके ऊपर यूहन्ना का नाम कितना बड़ा लिखा होगा, कितने बड़े अक्षर में लिखा होगा, कितना अभिषिक्त दास, जब धरती पर थे तब कितने कितने बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने किए। वो बोलते तेल की कढ़ाई में 2 बार डाल दिए गए, लेकिन जिनको कुछ नहीं हुआ, जो इतना बढ़िया प्रचार करते थे, जिन्होंने यीशु मसीह को एक परमेश्वर के स्वरूप में अपनी जो खुशखबरी है, अपना जो सुसमाचार है, उसमें उन्होंने प्रकट किया, ऐसा अभिषिक्त दास परमेश्वर को देखकर डर गया, परमेश्वर को देखकर डर गया, जो सारी बातें देख रहे लेकिन डरे हुए। आज वो डर हमारे अंदर है कि नहीं? इतना अभिषिक दास जिसका नाम वहां स्वर्ग में है ही है, पक्का है, लेकिन वो अगर डर रहे तो क्या हम डर रहे उस परमेश्वर से? वो देख रहे फिर भी डर रहे, लेकिन जो आज हम लोग हैं, हम तो यूहन्ना के समान नहीं, तो क्या हमें परमेश्वर का डर है? यूहन्ना विजन नहीं दिख रहा है, वो जीवित अवस्था में ये सब कुछ देख रहे हैं। इधर उधर चलोगे कैसा भी जीवन होगा, अगर यूहन्ना डरते लेकिन इधर उधर जीवन जियोगे तो क्या डर नहीं लगना चाहिए? परमेश्वर का हमें डर लगना चाहिए, परमेश्वर के सामने जाने से नहीं, उनके वचन की अनाज्ञा कार्य करने से डर लगना चाहिए, उनसे विरोध में चलने से हमें डर लगना चाहिए। पत्रस कहते हैं उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और चौथा अध्याय उसका तीसरा पद, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुटपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियकड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वह बहुत हुआ। हाँ, क्या बोले पत्रस, आप लोगों ने पहले जितना समय गवा दिया आप छोड़ो, पापों में, निंदा में, चुगली में जितना जीवन गवा दिया छोड़ो अभी उसको, अब क्या करो, अब मसीह में जीवन जियो। और पहले कुरिन्थियों में लिखा है इसका 15 अध्याय इसका 58 प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। कोई गुजराती में पढ़ो तो इसमें क्या लिखा है, ये माटे मारा प्रिय भाइयों तुम्हें स्थिर तथा दृढ़ थाओ अने प्रभु ना काम में सदा बचा रहो, ऐसा लिखा है। तुम्हारा काम प्रभु में निरंतर नहीं ये तो मैं जानता हूं, प्रभु के काम में सदा लगे रहो, सर्वदा लगे रहो। परमेश्वर का वचन ये कहना चाहते हैं, परमेश्वर का काम करना छोड़ोगे तो शैतान की बात आएगी ना, इससे अच्छा परमेश्वर में लगे रहो। परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने भविष्यवाणी सुनकर लिखा वो अगर पूरी हुई तो जिस यूहन्ना ने देखा क्या पूरी नहीं होगी? क्लेश काल रैप्चर के बारे में गलत हमें मत रहना, रैप्चर है क्लेश काल भी है, लेकिन रैप्चर क्लेश काल के बाद में ही है। क्लेश काल है बहुत भयानक अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो क्लेश काल आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं मतलब क्लेश काल में आप हो, चाहे एंटीकास्ट कितना भी सताने के लिए आए, कितना भी मारने के लिए, हमें कुछ नहीं होने वाला है। जो परमेश्वर ने हमारे दुख सहन कर लिए वो अपने दुखों का सहभागी हमें कैसे बनाएंगे? वो तो उनकी इतनी नम्रता है,
वो तो उनका इतना बड़प्पन है कि वो ऐसा बोलते हैं कि तूने मेरे दुख सह के, लेकिन सही में उन्होंने हमारा दुख सहन, हम कुछ भी सहन नहीं कर पाते, हमें कुछ सहन नहीं कर रहे हैं। क्लेश काल में अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपको कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। लेकिन अगर नहीं है तब उसमें रह भी नहीं पाओगे, और उसके बाद अनंत काल की आग भी इंतजार करती रहेगी। यूहन्ना ने देखा, यूहन्ना ने लिखा, वो सब कुछ पूरा होने वाला है। इसलिए आज ही से परमेश्वर का वचन है, जितना समय आप लोगों ने गंवा दिया छोड़ दो, उसको भूल जाओ। लेकिन आज से अभी इसी वक्त से परमेश्वर के काम में ऐसे लग जाओ, ऐसे अंदर घुस जाओ, और कुछ काम रहे ही ना, कोई मौका ना मिले शैतान को। जब दाऊद राजा लड़ाई लड़ते थे, एक भी पाप नहीं किया। जैसे एक बार बोले आज मैं आराम करता हूँ, तुम सब लड़ाई करने के लिए जाओ, तभी बात से बात सामने आ गई। और इसलिए कभी भी अपने आप को परमेश्वर के काम से बाहर मत निकालो, उसमें घुसे रहो, और कुछ भी मत सोचो, पाप होगा ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है आखिरी दिन है, आखिरी पल है, जो भविष्यवाणी पूरी होने वाली, उससे पहले अपने आप को परमेश्वर के काम में लगाना सीख जाओ, तो पाप नहीं होगा, पाप नहीं होगा तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेंगे, पवित्र आत्मा रहेंगे तो हम स्वर्ग राज के वारिस अवश्य होंगे। अब हम हमारे आँखों को बंद करते हैं, हमारे मस्तकों को परमेश्वर के आगे झुकाते हैं, जो राजाओं के राजा हैं, जो प्रभुओं के प्रभु हैं, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे परमेश्वर वो सच्चे परमेश्वर, वो भले परमेश्वर है। क्लेश काल से मत डरो, रैप्चर से मत डरो, इनकी गलत फहमियों से बाहर निकलाओ। रैप्चर है एक ही बार, क्लेश काल के बाद। जो भरमाते हैं ऐसा, उनके भरमान में मत आओ। जो बोलते हैं अभी भी प्रभु सुकानाथ दो बार बाकी है, उनसे कहो कि बाइबल में से मुझे दिखाओ कहाँ पर ऐसा लिखा है। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ दूसरी बार प्रभु से आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए। बिना पवित्र आत्मा ये सब कुछ असंभव है, पर से पवित्र आत्मा में बने रहो, पवित्र आत्मा की मुहर में बने रहो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।